वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। आज के जमाने में अगर हम देखते हैं तो जो आज के यंग कपल्स हैं उनका क्या एजेंडा होता है, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। जो कपल्स होते हैं वो आजकल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दे आर नॉट रेडी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम सीधा पहुंच जाती है, उसका सॉल्यूशन होता है डिवोर्स। तो आज इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ और उसके लिए हम यहाँ पे हैं भोपाल के बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट, दैट इज डॉक्टर राजेश मंदानी सर। सर ने बहुत सारे ऐसे डिवोर्स केसेस भी सॉल्व किए हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनको सर ने बहुत ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं कि आज प्रैक्टो और गूगल के माध्यम से काफी सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और जब हम एक रिकॉर्ड अपना चेक करते हैं तो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमने देखा है कि सर के यहाँ पे काफी ऐसे केसेस सॉल्व हुए हैं जो मतलब कि जो पेशेंट्स कभी सोच भी नहीं सकते थे। सो हेलो सर, हाउ आर यू सर? गुड इवनिंग सर। सर, यंग कपल्स जो हैं आज के, उनके बीच में काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हमको इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो एज अ काउंसलर आप एक टीचर भी हैं, तो सर आपका क्या कहना है? लाइक जो मेल्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें अपनी वाइफ को एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सर इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बोलता हूँ हमेशा, आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा कि कहीं भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये क्या कैसे रिलेट कर सकते हैं कि वो नौबत ही क्यों आए कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े? तो आज जैसे मेट्रो सिटीज में आपने सुना होगा या देखा होगा, जो बहुत ही एडवांस रहता है सिटी, इसको टायर वन टायर टू सिटीज के डिवाइड करा हुआ है, वहां पे लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग करवाते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग होती क्या है, यहाँ पे कपल्स को बोलेंगे तो वो शर्माएंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहली बात तो डिनाई करता है इंसान कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ईगो रहता है, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। जबकि आज मेट्रो सिटीज में जैसे एक शादी से पहले एक इंसान बॉडी पॉलिशिंग कराता है, वैसे ही एक इंसान प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाता है किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास या एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास। उसको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू परफॉर्म, और उसको यह भी मालूम होना चाहिए कि मुझे आगे फैमिली प्लानिंग कब तक करनी है। यानी उसके जितने भी इफेक्टिव्स होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। अगर वो जाएगा ही नहीं तो वो पूछेगा कैसे, बाद में जाके प्रॉब्लम्स आती है। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या एक हस्बैंड जो एक मैरिड हो चुका है उसको क्या वाइफ को सेक्सोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम तो म्यूचुअल होती है। जब हस्बैंड वाइफ में कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, बोलते हैं मतभेद हो जाता है, वो एक पार्ट है, हर हस्बैंड वाइफ में मतभेद होता है। मगर जहां पे मनभेद हो जाता है वहां पे काउंसलिंग काम नहीं करती, वहां पे फिर पेशेंट को डॉक्टर के पास आना ही पड़ता है। वेदर हस्बैंड में दिक्कत हो चाहे वाइफ में दिक्कत हो, मैं चाहता हूँ दोनों आए, हमारा फैमिली हेल्थ सेंटर है। और अगर हमारे पास नहीं भी आए तो कोई भी नजदीकी क्वालिफाइड कपल्स हैप्पीनेस क्लिनिक पर जाए, जहां पे उनको एक लेडी डॉक्टर एक जेंट्स डॉक्टर मिले, उनकी काउंसलिंग करे, उनकी बातों को सुने, उनके बीच में जो मतभेद हो गया है अगर सेक्सुअल इश्यूज की वजह से है तो सॉल्व करे। तो सर, अगर जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आप इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं कि हस्बैंड वाइफ के आप साथ में काउंसलिंग करते हैं? देखिए, केसेस तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे आते हैं। कुछ लोग तो डाइवोर्स की लेवल तक आ जाते हैं, बॉर्डर लाइन तक, और बोलते हैं सर तो डाइवोर्स की लेवल, अब आप बताइए क्या करना है। और कुछ लोग आते हैं इस लेवल पर कि हस्बैंड या वाइफ सर्च करती है बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट, या उनको मालूम चलता है, कई फीडबैक मिलता है उनकी फ्रेंड के या रिलेटिव से कि हाँ एक टीचर भी है हमारे भोपाल में जो कि आपको एक निष्पक्ष बिल्कुल 100% अच्छा एक फैमिली गाइडेंस दे सकते हैं, जिससे आपकी सेक्सुअल लाइफ और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हस्बैंड वाइफ में, किसी की भी प्रॉब्लम हो, किसी को भी दोषी ठहराने के लिए नहीं, किसी को जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं वाइफ देखती है या सर्च करती है या हस्बैंड सर्च करता है, तो वो दोनों ही जिम्मेवारी लेते हैं। और हाँ, अगर वो आते हैं हमारे पास तो हम दोनों को इंडिविजुअल काउंसलिंग न करके पहले दोनों को साथ बिठाते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो होते ही है, हस्बैंड हमेशा बोलना नहीं चाहिए, डिनाई करता है, बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ उसको मुंह पे बोल देती है तो आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप दिखाओ, प्राइवेट चेकअप कराओ। तो ये सब चीजें सॉल्व हो जाती हैं, मगर एक दूसरे को रिगार्ड करना चाहिए और कभी भी एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप में नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन होता है, यही हम बताते हैं काउंसलिंग में। तो सर, जो आप काउंसलिंग करते हैं तो सर वो टेलीकम्युनिकेशन भी हो सकता है, हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है क्या आपके पेशेंट? बहुत सारे जो कपल्स हैं वो चाहते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस से बात हो जाए, जबकि मैं आपको बताऊं 99.9% केसेस में टेलीकम्युनिकेशन फेल हो जाता है। कारण क्या है, होता है, ऐसा नहीं है डिस्टेंस में, अब्रॉड में कुछ केसेस है वो लोग इंटेलेक्चुअल, इंडिया में क्या है वो फोन पे ही लड़ाई करने लगते हैं
और हस्बैंड कुछ बोल रहा है, वाइफ कुछ बोल रही है, तो टेली कम्युनिकेशन में इतना क्लियर नहीं हो पाता। इसके लिए देखिए मैं एक बात मानता हूँ, टाइम सबका कीमती है, मगर जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर सेक्सुअल लाइफ इफेक्ट हो रही है, फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो आप आइए हमारे सेंटर में आइए, हमारे 100% प्राइवेसी के साथ पेशेंट को देखा जाता है, उसको 100% गाइडेंस दिया जाता है, उसको डाइट चार्ट दिया जाता है, उसको एक्सरसाइज बताई जाती है, उसको एक पूरा रेजिमेन बोलते हैं डाइट एंड रेजिमेन, उसको एक लाइफ स्टाइल बताई जाती है, और अगर कोई स्ट्रेस में है तो उसको वो भी सॉल्व करने के तरीके बताए जाते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूंगा डायरेक्ट किसी डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, अगर आप नहीं आ सकते, कोई और इश्यूज हैं, डिस्टेंस है, जहां पे आप बहुत ज्यादा दूर हैं हस्बैंड वाइफ, तो कॉन्फ्रेंस में बात हो सकती है प्राइवेसी के साथ। यस, तो सर जो आपके ये सारे मैरिटल केसेस हैं, इनको आप सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ही सॉल्व करते हैं या फिर आप कोई मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं? देखिए कुछ केसेस इसमें कोई रेशियो डिसाइड नहीं है। अगर पेशेंट आ रहा है उसको मालूम है कि मुझे साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन या साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी है, तो हम उसको पहले कॉन्फिडेंस देते हैं, उसको पहले बताते हैं कि हाउ टू एक्ट, और उसको हर चीज गाइड करते हैं, डाइट है, एक्सरसाइज है, या उसको कुछ हम लोग बता देते हैं कि फियर फैक्टर ना हो, एंजाइटी ना हो, तो वो परफॉर्म करने लगता है, तो बिना मेडिसिन के भी हो जाता है। और अगर उसको लगता है कि नहीं मैंने मास्टरबेट किया है या मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम रही है जो मेरे बाकी वीडियोस में मैंने बताया है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम रही है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसके अंदर, या कोई ऑर्गेनिक कॉज है जिसकी वजह से आज उसको ईडी की प्रॉब्लम, पीई की प्रॉब्लम हो रही है, या वो हाउ टू सेटिस्फाइड, तो अगर वो कर ही नहीं पा रहा है तो फिर वो एक्शन ही नहीं कर पा रहा, तो उसको मेडिकेशन देना पड़ेगा। सर बहुत बार हमने केसेस अभी देखे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि yes. सर जो वाइफ होती है वो बोलती है कि हस्बैंड को प्रॉब्लम है, बट yes. जो हस्बैंड होता है वो डिनाई करता है कि वो कोई प्रॉब्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने, ये ईगो फैक्टर होता है, जब हस्बैंड आता है तो वो ईगो लेके आता है, पहली बात तो वो एक्सेप्ट नहीं करता कि प्रॉब्लम है, दूसरी बात वो आने के लिए तैयार नहीं होता। अगर वाइफ सर्च करती है कि मुझे डॉक्टर को दिखवाना है आपको, तो हस्बैंड कभी नहीं मानता, उसका ईगो सामने आ जाता है, और यही कारण है रिलेशनशिप आज टूटने का। आप या तो खुद सॉल्व कर लें या एक क्वालिफाइड डॉक्टर को पास जाएं, मगर जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और प्रॉब्लम होगी तो वो डाइवोर्स नहीं, वो और आगे तक चली जाएगी, आपके रिलेशनशिप कभी नहीं बन पाएंगे, ये तो एक पार्टनर आप दूसरे से शादी करेंगे सेम कंडीशन आ जाएगी। तो सर एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपके क्या राय है, आप क्या अपने पेशेंट्स को बताना चाहेंगे? देखिए मैं हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे पहला पॉइंट बोलता हूँ रिगार्ड करें दूसरे को, दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूँ कि इमोशनल अटैचमेंट बनाकर रखें। जब आप इमोशन से जुड़ जाते हैं तो फिर मनभेद नहीं हो सकता, फिर तो अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होगी तो वो पार्टनर आपसे अंडरस्टैंड करेगा, पार्टनर आपको रिगार्ड करेगा, पार्टनर आपको टाइम देगा, पार्टनर आपकी हर बात को एक्सेप्ट करेगा, बोलेगा यस वी कैन डू इट। मगर जब आपको मतभेद हो जाएगा, आप रिलेशन इमोशनल नहीं रहेंगे, आप उसके साथ साइकोलॉजिकल और इमोशनली नहीं जुड़े रहेंगे माइंड से दिल से, तो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सबसे पहले पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पार्टनर को एक दूसरे को रिगार्ड करना चाहिए। अगर जेंट्स के अंदर हार्मोन है तो फीमेल के अंदर भी हार्मोन्स है। अगर मैं खुल के बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मेल एजेकुलेट करता है तो फीमेल भी एजेकुलेट करती है, तो दोनों पार्टनर जब सेटिस्फाइड होंगे तो फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं आएगा और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली सेटिस्फाइड कर पाएंगे, इसको बोलते हैं म्यूचुअल जीवन साथी। तो यही मैं बोलना चाहूंगा, अगर प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट करें, उससे फाइट करें, उसे डरे ना, उसे डटकर सामना करें और अपना वैवाहिक जीवन अच्छा करें। यस सर, सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि सर बहुत बार क्या होता है कि मनभेद के कारण डिवोर्स तक कंडीशन पहुंच जाती है। बहुत हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं कि वो अब रहना ही नहीं चाहते हैं साथ में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो एक तरह से ड्यूल होता है, ड्यूल मतलब हम इधर से काउंसलिंग करके भेज रहे हैं, हमने मेल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हमने फीमेल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मगर वहां जाके उनका कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या मान लीजिए उसका कंडीशन ये हो गई कि अब वो उसने बोली दिया, ठान लिया कि नहीं मुझे अब आगे कंटिन्यू करना ही नहीं है, है ना रिलेशन, तो वो फिर उनका पर्सनल मैटर। मगर हमारा एक लास्ट एंड तक हमारा हैप्पीनेस क्लिनिक है, हमारा जो हॉस्पिटल है उसका टारगेट रहता है हाईएस्ट टाइटल ऑफ कॉर्निंग रैपिड जेंटल परमानेंट, क्योंकि हमें भी मालूम है ज्यादा टाइम नहीं है, वैसे ही पेशेंट लेट हो जाता है, जब एंड स्थिति आ जाती है तब तो वो आता ही है, तो हम रैपिड जेंटल परमानेंट उसको क्योर देते हैं, और उसके बाद हमारे बेस्ट विशेष उनके साथ रहती है कि वो एक दूसरे को साथ दें, क्योंकि काउंसलिंग भी होती है, कुछ हम डाइट भी बताते हैं, योगा भी बताते हैं, साथ में एक रिलेशनशिप अच्छी रहे उसके लिए वो टिप्स भी देते हैं, और उसके बाद तो डेस्टिनी आप जानते हैं कुछ जो होना है वो तो होना ही। सर बिल्कुल, सर
सर थैंक यू आपके इतने इंटरेक्टिव सेशन के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि आपके सेशन से काफी लोगों को काफी हेल्प मिलेगी. ऑलरेडी आप काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं. बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बीच में काफी प्रॉब्लम्स थी जिनको आपने अपने क्लिनिक में काफी अच्छे से सॉल्व किया है. सो थैंक यू सो मच सर. व्यूअर्स आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, आप एक कम्प्लीट हेल्दी फैमिली वेलनेस सेंटर में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं. आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी कर सकते हैं. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.